नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेन के लिए मैथ की पश्लावली चल रही थी तीन पॉइंट पांच इसमें सवाल नंबर तीसरा मारा है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न निम्नरेखिक समीकरणों को युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज गुणन विधियों से हल कीजिए किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं देखिए उपयुक्त की बात ऐसी रहती है कि अगर आपको जिस विधि से आपको सरल लगती है तो वो आपके लिए उपयुक्त रहती है वो लिख दीजिएगा आप और सवाल को बताते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि से और खंड दोनों विषय बताते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको सवाल बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है आठ एक नौ और तीन दो चार हमारा देखिएगा एक समीकरण लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण हमारा एक समीकरण हमारा ये लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण ये लिखा हुआ है प्रतिष्ठा में आपको बता है कि किसी एक समीकरण से एक से आवे का मन निकालते हैं और देखे में लिख देते हैं तो अगर हम इसमें से निकाले मन समीकरण एक से समीकरण एक से अगर मान निकालें आठ एक्स प्लस पांच बाई ब नौ लिखा हुआ है इससे पहले निकाल ले एक कि तो कितना हो जाएगा आठ नौ माइनस का पांच बाई अगर वैल्यू निकालेंगे कितना जाएगा नौ माइनस पांच बाई तो दोस्तों इस प्रकार एक एक से एक्स का वैल्यू निकला है एक्स का वैल्यू में किसने निकाला समीकरण एक्स निकाल लिया है अब किस में रखेंगे समीकरण दो में क्योंकि प्रतिस्थापन में ये तो करना होता है तो एक का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रखिएगा समीकरण में तो दूसरा समीकरण था हमारा तीन एक्स तो तीन एक्स लिख दीजिएगा मान नौ माइनस का पाँच बाई दिया और प्लस का दो बाई ब चार इतना हल कर लिया आगे हल कीजिएगा तो नौ दिया सत्ताईस माइनस का तिपच पंद्रह बाई और बटे आठ प्लस का दो बाई बटे एक बराबर दोस्तों आ गया है चार इतना मैंने इसको सॉल्व कर लिया है अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आठ एक का लाशा हो जाएगा आठ अब देखिए यहाँ पर सत्ताईस माइनस का पंद्रह बाई और प्लस आठ दूनी सोलह बाई इतना हो गया है टोटल तो हमारा बराबर चार इसको आगे देखिए सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सत्ताईस यहाँ पे पंद्रह से माइनस का पंद्रह प्लस का सोलह तो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का बाई बटे में आठ है बराबर हमारा चार इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सत्ताईस एक सत्ताईस तो सत्ताईस प्लस बाई बराबर आठ चक्कू बत्तीस मतलब बाई का वैल्यू आ जाएगा बत्तीस माइनस का सत्ताईस तो बाई बराबर पाँच दोस्तों इस प्रकार से हमारा बाइक का वैल्यू कितना जाएगा का वैल्यू हमारा आ गया है पाँच हम किस विषय से हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विषय से अल कर रहे, है। अब रहे हैं अब बाई तो का मान इसमें रख देंगे हम समीकरण में इस समीकरण में मान लें तीन रख लीजिएगा तो बाई का मान समीकरण तीन मान लेते हैं तीन में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा एक सौ बराबर हो जाएगा नौ माइनस पाँच बाई का मान पाँच तो पाँच बटे में आठ तो दोस्तों इस प्रकार से एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा नौ माइनस का पच्चीस बटे आठ पच्चीस से जब नौ जाएंगे कितने बचेंगे माइनस का सोलह बटे आठ आठ दो सोलह मतलब दोस्तों इस प्रकार से हमारा एक का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है माइनस का दो तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक बाई की वैल्यू निकाल ली है एक का वैल्यू माइनस का दो आ गया है बाई का वैल्यू पांच आ गया है दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको प्रतिस्थापन से हल कर लिया है अब इसको हम हल करेंगे बज गुणखंड विधि से तो देखते हैं आगे तो देखिएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने आठ एक्स प्लस पांच बार बराबर नौ और तीन एस प्लस दो बार बराबर चार इसको हमें हल करना है बज गुणखंड विधि से एक तो हमने हल कर लिया प्रतिस्थापन से तो बज गुणखंड विद्यको हल करेंगे बज गुण विधि से तो देखिएगा सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम सही कर लीजिएगा थोड़ा सा सवाल को अगर इसको हम कर लें यहाँ पर कि आठ एक प्लस पाँच वाई इधर ले आइए माइनस का नौ बराबर जीरो ये हो जाएगा समीकरण हमारा और एक हो जाएगा तीन एक प्लस का दो वाई माइनस का चार बराबर जीरो दो समीकरण हो गए ठीक है बज गण गण से हल करना है इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने आपको बताया था इसके लिए हम करते हैं एक दो में चल दिए गए हैं एक वाई दिया गया तो आप एक कीजिएगा देखिएगा उसके नीचे से लाइन कर लीजिएगा बराबर माइनस का बाई एक लाइन कर लीजिएगा बराबर Beast एक गिनती लिख लीजिएगा में एक लाइन इस प्रकार से उसको सॉल्व कीजिएगा एक्स के लिए हम एक्स को छिपा लेंगे यहाँ पर अब देखिए पहले इसकी गुणा करेंगे लेंगे पाँच की गुणा माइनस चार में हो जाएगी फिर दो की गुणा माइनस के नौ में बीस में माइनस लगता है तो पाँच की गुणा कर लेंगे पहले हम माइनस के चार में और यहाँ बीच में माइनस का अच्छी लगा लीजिएगा अब दो की गुणा माइनस के नौ में दो की गुणा करेंगे हम माइनस के नौ में इतना कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमने क्या क्या कि एक को जब छिपा दिया है तो पांच का गुणा पहले माइनस का चार में कर लिया है बीच में माइनस लगा लिया दो का गुणा माइनस नौ में अब बाई के लिए क्या करेंगे बाई को छिपा देंगे अब आठ का गुणा करेंगे माइनस का चार में तो देखिएगा आठ का गुणा पहले कर लीजिएगा ये माइनस का चार तो माइनस का चार में बीच में माइनस ही लगा दीजिएगा अब क्या है तीन का गुणा माइनस का नौ में तो तीन का गुणा कर लीजिएगा माइनस का नौ में गुणा कर लिया है अब आगे देखिएगा गिनती के लिए हम गिनती को छिपा देंगे यहाँ से आठ का गुणा पहले करेंगे दो में तो आठ का गुणा करिएगा लियेगा दो में बीच में माइनस लगा लीजिएगा और तीन का गुणा करेंगे पांच में तो तीन का गुणा पाँच में इसको हमने इस प्रकार सॉल्व कर लिया है तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया है कि x के लिए मैंने क्या किया है एक्स को छिपा कर इसका वैल्यू निकाला बाई के लिए बाई को छिपा कर इसका वैल्यू निकाला निका और गिनती के लिए गिनती को छिपा कर इसका वैल्यू हमने सॉल्व किया है आगे सॉल्व करते हैं देखिए कितना हो जाता है कि x बटे पाँच बीस माइनस का बीस प्लस का अठारह बराबर माइनस का बाई बटे आठ सौ बत्तीस तो माइनस का बत्तीस प्लस का सत्ताईस ठीक है बराबर एक बटे आठ सोलह माइनस का पंद्रह आगे सॉल्व कर हैं तो कितना आ जाएगा x बटे माइनस का दो बराबर माइनस का बाई बटे सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस मतलब माइनस का पाँच बराबर हमारा एक बटा एक सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा x बटा माइनस का दो बराबर बाई बटा पाँच बराबर एक बटा एक इतना आ गया है जब इतना सॉल्व होकर आ गया है तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे किस प्रकार से देखिएगा अगर हम इसको इसको बराबर करें पहले को तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक बटे माइनस का दो बराबर हमारा हो जाएगा एक बटा एक गुणा गुणा करिएगा तो एक सौ कितना आएगा माइनस का दो आ जाएगा और अगर करें बाई बेटा पाँच बराबर एक बेटा एक कर लें इसको इसको बराबर करें दूसरे से से तीसरे को तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर बाई ब कितना जाएगा पाँच तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक बाई की वैल्यू निकाल ली है ठीक है दोस्तों तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा कीजिएगाक्स वाई का देखिए वीडियो निकल जाएगा माइनस का दो माइनस और पाँच और देखिए हमने इसको हल किया था प्रतिस्थापन जिससे तो भी इतना निकल था दोस्तों तो इसको देखिए दोनों विषय में हल करके आपको बता दिया है तो आपको जो वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको आप ले लीजिएगा तो कि हमारे ये वीडियो उपयुक्त लगी है ठीक है तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने अगर वीडियो आपको अच्छा लगाया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है अब अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में लेंगे